और अब अगर आप गोलगप्पे के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है, ये आपका जायका भी बिगाड़ देगी। दरअसल छिंदवाड़ा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें गोलगप्पे बनाने के लिए तैयार किया जाने वाला आटा पैरों से गूंथा जा रहा है। जी हाँ, ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये हकीकत है। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से गंदे पैरों से आटे को गूंथा जा रहा है। इधर झंडा गांव के लोगों ने इस वायरल वीडियो में दिख रहे गोलगप्पे वाले की पहचान भी कर ली है और हंगामा खड़ा कर दिया। मामला थाने पहुंचा, फिर पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों से पूछताछ की। हालांकि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो अपने आप में हैरान और डराने वाला है। जगमोहन कुशवाहा के द्वारा हमको बताया गया है कि ये वीडियो 5 साल लगभग पुराना है और ये किसी गमी से आ रहे थे और गुपचुप का आटा खराब हो गया था, कड़क हो गया था, इसीलिए गाय को देने के लिए पैरों के माध्यम से कुचल करके और गाय को दे दिया गया और हंसी मजाक के लिए ये वीडियो बना लिया गया। तो इनके स्टेटमेंट ले लिए गए हैं। तो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, हालांकि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो लोग कह रहे हैं, जिस तरह के आरोप इस वीडियो के सामने आने के बाद गांव के लोग लगा रहे हैं, उसके आधार पर आपको हम तस्वीर दिखा पा रहे हैं। झंडा गांव के लोगों ने इस पर हंगामा खड़ा कर दिया, मामला थाने पहुंच चुका है। अब मामले की तफ्तीश भी यहां पर शुरू कर दी गई है। गोलगप्पे से शौकीन लोग हैं उनको सावधान करने वाली एक खबर है। चलेंगे छिंदवाड़ा, बात करेंगे सहयोगी शरद पाठक से। शरद, कैसे समझें इस वीडियो की हकीकत को, लोग क्या कुछ कह रहे हैं और जो दावा किया जा रहा है वो कितना सही है? मैं आपको बता दूं कि वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया था। इसकी वजह ये थी कि ये जो गोलगप्पे वाला था ये गांव के पास ही दुकान लगाता था, इसको बहुत लोग पहचानते थे और बहुत से इसके ग्राहक भी थे, तो निश्चित रूप से उनको तकलीफ पहुंचना स्वाभाविक था जी। लेकिन जहां तक इसके सफाई की बात है तो मैं आपको बता दूं कि जो दावा गुपचुप वाला कर रहा है उस पर किसी को भरोसा नहीं है। लोगों का कहना यह है कि यदि गाय को भी दिया जाना था तो उसको पैरों से खूनने की या पैरों से उसको मसलने की जरूरत क्या थी, तो वैसे भी दिया जा सकता था। तो इस दावे पे किसी को यकीन नहीं है। लोगों का मानना है कि ये गलत हुआ है और गलत किया गया है। बाकी पुलिस और खाद्य विभाग इसकी जाँच कर रहा है। अब इस वीडियो की फोरेंसिक जांच की करने पर ही पता चलेगा कि ये वीडियो कितना पुराना था और दावों में कितनी सच्चाई। जी, बहुत शुक्रिया शरद पाठक खबर को विस्तार से बताने के लिए, जानकारी देने के लिए।